있습니다. जी सर, मेरा नाम मुजफ्फर शेख है, मैं कश्मीर से हूँ। मैं वहाँ पे इंडो स्टेडियम में कला चलाता हूँ, तो मैं एमटीसी क्लब रन कर रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को डेमोस्ट्रेशन देते हैं एवरी ईयर। तो हम इस बार जम्मू आए कैंप के लिए, कि कश्मीर में एक हालात भी ठीक नहीं थे और वहाँ पर सर्दी भी बहुत है। हमने खुद ये प्रोवाइड किया कैंप, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, न जगह की न कुछ। मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का, जिन्हें हमें जगह दी वहाँ प्रैक्टिस के लिए। तो हम और ये 10 दिन चलाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी इस टाइम बहुत ठंड है, मगर अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अभी हमने सारा सब कुछ खुद ही से किया है। तो मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल से कि सर, टाइकोंडो में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे क्लब से जो इंडोर में सीखते हैं, सर वहाँ पर मैट्स की कमी है। जो नए मैट्स आए, अगर उनको वो प्रोवाइड हो जाते तो बहुत अच्छा रहता बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? गवर्नमेंट से यही अपील मैं करना चाहता हूँ कि हमने NIS किया है, हम ऐसे बैठे हैं, हमें वो इसमें, जबकि टाइकोंडो का कोई है ही नहीं इसमें वो हमें, जबकि हमारे पास फीमेल कोच भी है टाइकोंडो में, मनशा बशीर, उसने भी NIS किया है, अभी हम पेंडिंग ही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल से और मिस्टर फारूक खान सर से भी, हम उनके पास भी गए थे जब हम इंटरनेशनल खेल के आए थे बैंकॉक से, हमने उनके साथ फ़ोटो वोटो भी उठाया। सर आपके साथ स्टूडेंट्स का और कौन में कोई जी पेरेंट्स भी आए? जी सर, पेरेंट्स भी आए हैं हमारे साथ यहाँ पर, आप भी इनके साथ बात कर सकते हो। जी सर, आपके बच्चे यहाँ के टाइकोंडो कैंप में आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम शाइस्ता है और हम कश्मीर से आए हैं। 18 से 20 बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये कैंप जो यहाँ पे 10 दिन का चला। मौसम भी, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तो बच्चे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में हम गए थे उनके डायरेक्टर से हम मतलब थैंक यू उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ इस चैनल के ज़रिए, तो उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी वहाँ पे, कि जगह दी वहाँ पे। हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको बच्चों को इक्विपमेंट्स की कमी है वहाँ कश्मीर में, जगह की कमी है। हमें जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तभी ये क्लब आगे जाएगा, बच्चे भी आगे जाएंगे। ये वो वाली मतलब बाकी गेम्स की तरह नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस गेम है जो बहुत लड़की और लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए, दोनों के लिए परफेक्ट गेम है, ज़्यादातर लड़कियों के लिए। हमें मदद की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें मतलब वहाँ पे मैट्स अगर होते, काफ़ी जगह होती वहाँ पे, तो हम ये कैंप वहाँ भी मतलब अच्छे से करवाते। वहाँ पे मौसम भी नहीं है, हालात भी अच्छे नहीं है, यहाँ पे आए 10 दिनों के बजाय 1 महीना चलाते कैंप, लेकिन जब गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है तो अपने होल पे कितना सर करेंगे? बजट की प्रॉब्लम होती है, 30 बच्चे भी है, 20 बच्चे भी, कैंप 10 दिन के बाद चलता है। 10 दिन के टाइकोंडो के कैंप में आए थे, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम ताहा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस कैंप में जम्मू यूनिवर्सिटी में, हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने यूनिवर्सिटी में। तो अब हम चाहते थे कि हम और 10 दिन यहाँ रुके, तो हमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इसमें सपोर्ट करे। तो मुजफ्फर सर हमारे कोच हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, उन्होंने ही हमें लाया है। तो हम चाहते हैं हमें इक्विपमेंट्स और मिले, मैट्स हो, जो वहाँ पे इंडोर स्टेडियम में हमें प्रैक्टिस होती है, तो हम चाहते हैं वहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स मिले। यहाँ पे 30 बच्चे हैं, वहाँ पे और 30 बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा रोल इतना है, हमें वहाँ पे मैट्स ही नहीं है, तो हम चाहते हैं हमारी प्रैक्टिस उन पर हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड हो। आप सरकार को क्या आपसे डिमांड करें? हमें इक्विपमेंट्स दे, मैट्स दे और फुल्ली सपोर्ट करे, और कैंप में और फ्लाइट